800 रुपए का। कंघी भी है, ब्रश भी है, दो दो पीस। शीशा भी है, शीशा भी है, कंघी भी है, ब्रश भी है, 400 रुपए का पैकेट है, दो दो पीस। क्या रंग महल की तरफ जो एक बाजार जाता है टॉय मार्केट और रंग महल के दरमियान उसका, सो गाइस वहां पर काफी चीजें होंगी, खिलौने तो फिलहाल इतने ज्यादा नहीं होंगे, लाइक होंगी और आप भी देखेंगे, और हो सकता है कि हमें वहां पे ना होलसेल रेट भी जो है मिल जाए, तो कीमतें ही मैं पूछूंगा। सो गाइस देर हम नहीं करते हैं, स्टेटमेंट। अच्छा दोस्तों, कल मैंने आपको टूर करवाया था टॉय मार्केट का, अब आज हमें टूर करना है रंग महल की तरफ जो मार्केट जाती है उसका। यहाँ पर पर्स हैं, इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं, आइए दिखाते हैं आपको। इधर ज्वेलरी, चूड़ियाँ, उसी से रिलेटेड सारा सामान मिलता है और कुछ भी नहीं होता। चलो यार रेड़ा दे दो। ये लास्टिकों के गुच्छे लगे हैं इधर, लास्टिक नहीं शलवार में डालने के लिए उसके, इधर से जाहिर है आपको सस्ते भी मिलेंगे और ज़्यादा भी मिलेंगे, चाहे मोटा लास्टिक हो या पतला लास्टिक हो। अंदर भाई ज़रा कस्टमर मसरूफ़ है, कभी हम नहीं पूछते वरना हम रेट ज़रूर पूछते यहाँ से। भाई ये कितने के बैंड्स? 300 का ये होलसेल रेट है, 300। तो होलसेल यानी कि 100 पीस अगर हमने लेने तो 300 का, 100 पीस का अगर लेना तो एक 300 का पड़ेगा। बता दो ना यार, नहीं आप बताओ, मैंने आपसे ही पूछना, मुझे नहीं आप बताना, मैं तो ये कितने का? 360 रुपये दर्जन है। 360 रुपये दर्जन है, यानी कि 300 रुपये दर्जन है। सही, यानी कि ये 12 पीस हैं 300 रुपये के और ये 12 पीस हैं 360 रुपये के। सही, तो वो इससे ज़्यादा महंगी हैं? ये 260 रुपये है। हाँ जी सही, क्या बात है। तो ये हैं सारी पोनियाँ ही, इसके अलावा और कुछ नहीं है? ये बटरफ्लाई, ये तो बच्चों के लिए है। ये कितने का है? अच्छा 130 रुपये नहीं, पोनियों का बस ही कर दो, चूड़ियों का भी कुछ है तो वो दर्जन कितने का? 150। तो वो जो दर्जन यानी कि 12 चूड़ियों के पैकेट हैं, तो एक पैकेट में कितनी चूड़ियाँ? 10। दिखाना यार जरा पैकेट, चलो मैं खुद ही वहाँ पे आ जाता हूँ। तो ये 10 पैकेट, ये तो 3 पैक। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा अच्छा समझ गया मैं, यानी ये 10 ही यानी कि मिक्स करके डाले हुए हैं। ठीक है भाई, शुक्रिया। देखिए जी यहाँ पे भी हमने गपशप लगाई, भाई भी ज़रा फ्रेंकली थे, उन्होंने मेरे रेट वगैरह बता दिए। आइए ज़रा अब आगे चलते हैं, ये बाजार जो है ना रंग महल की तरफ जाता है और इसको कहा जाता है आलमगीर मार्केट। आलमगीर मार्केट जो है ना इसको कहा जाता है आलमगीर मार्केट। इधर ब्रश वगैरह लगा हुआ है, ये पूरा सेट ही है। ये कितने का है? 400 रुपये का। कंघी भी है, ब्रश भी है, दो दो पीस। शीशा भी है, शीशा भी है, कंघी भी है, ब्रश भी है, 400 रुपये का पैकेट है, दो दो पीस। क्या माड़ा है यार, क्या आप लोग कई लोग होते हैं ना मालों में घूमते हैं, इधर देखो अंदरून शहर में क्या क्या मिल रहा है। इधर देखें अंकल जी के पास भी बड़ा कुछ लगा हुआ है। ये 6 पीसों का एक पैकेट है, 12 पीस, ये 12 यानी कि दर्जन पैकेट है। तो ये कितने का है? 220 का। तो अगर मल्लेदार ने अब सेल करना है तो ये कितने का सेल करेगा? 40 का यानी कि तो 20-30 रुपये का यानी कि उसे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आपसे ये 12 पीस कितने के मिलेंगे? 220 के। 18 रुपये का पर पीस पड़ेगा, 18 रुपये का पर पीस पड़ेगा और दर्जन आपको मिलेंगे 220 के। शुक्रिया भाई, आ जाएँ जी अब ज़रा आगे आ जाएँ।
प्लास्टिक वगैरह भी मिल जाते हैं भाई, लेकिन ये आप खुद ही जब विजिट करेंगे ना आप खुद ही इनसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी जाहिर है अगले दुकान बंद करने में मसरूफ़ है, क्योंकि 8 बजे का टाइम है जी क्लोजिंग टाइम, सारियाँ दुकानें बंद कराओ। ये एक जो है ना हुकूमत ने एक टाइम दिया, सारियाँ दुकानें बंद कराओ। इधर ज़रा मसाजिद का सामान है, कैप्स वगैरह, ये मसल्ले वगैरह। मेहनती बच्चा घर मंडी बेच रहा, मेहनती बच्चा। मस्जिदों का सामान है, ये तो हदिया ही होता है, इसकी क्या मैं कीमत पूछूं। इधर देखिए जी मोती वगैरह लगे हैं सर, ये अच्छा दाने हैं बस, मैं समझा शायद तस्बीह है। अच्छा तो ये कितने का एक पूरा पैकेट है, तो इसमें कितने मोती हैं? ये देखें जी आधा किलो मोती और 550 का एक पैकेट है। अगर महल्ले में किसी बंदे ने सेल करना है तो यही पैकेट वो 550 का यहाँ से मिल रहा है, 650 का कर देगा, पीसों के हिसाब से, यानी कि 10 इतने 20 इतने। सही, ये देखें जी अभी अंकल ने हमें बताया, आगे ये भी जो है ज्वेलरी एक्सेसरी है, आगे तस्बीहें भी जो है वो कह रहे हैं अंकल यहाँ से मिल जाती हैं। शुक्रिया जी, जीना उसा कॉटन्स वगैरह जो है भाई ये लेके जा रहे हैं। इधर जो है जराबे वगैरह लगी, बच्चों की कैप्स वगैरह लगी। ये कितने का पैकेट है एक कैप्स का? कितने रुपए? 3360 रुपये दर्जन है। सही, ये भाई ने कहा जी 3360 रुपये दर्जन है। अब आगे उसकी एस्टिमेट लगा लें कि आपको कितने का पड़ेगा और आगे से मल्लेदार कितने का इसको आराम से सेल कर सकता है। तो ये एक पीस कितने का बनता है 3360 में? मल्लेदार बेचेगा 300 रुपये की एक, अगर महल्ले में कोई बंदा बेच रहा 350 यानी कि 70-80 रुपये उसका आराम से प्रॉफिट है। देखें जी 3360 रुपये की दर्जन है, आगे आपकी अपनी मर्जी, आपने कितने का यानी कि इसको महल्ले में सेल करना है। आइए ज़रा आगे आ जाइए, जाए नमाज़ें भी उन्होंने ना एज़ आ डिस्प्ले के लिए सामने ही लगाई हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब भी कोई बंदा उमरा करके आता है उसको होता है कि मैं खजूरों पर एग्जाम से जाए नमाज़ें भी दूँ, तो वहीं से जो है ना बासानी पूछ लेता है। اللهم صل على سيدنا। ये क्या कहते हैं दर्जन के हिसाब से मिलते हैं बच्चों के शूज़, तो एक दर्जन पैकेट कितने का है? 90 रुपये का एक पैकेट है, दर्जन नहीं है। दर्जन का साग बन जाता है। सही, 90 रुपये का एक पीस है लारो साग, ठीक है 12 × 160 540 के 6 आधा दर्जन 1080 रुपये का। सही, 540 के 6 और 1080 रुपये का दर्जन है, ये भाई ने मैं भी रेट बताया। 90 रुपये का एक यहाँ से मिल रहा है, तो जो सादे वो कॉमन बाजार वाले वो 150 का एक बेचेगा, प्रॉफिट उसका आराम से है। शुक्रिया जी, ये देखें जी यहाँ पे भी मैं भाई उन्होंने रेट बताया, भाई उन्होंने देखें जी ऐसे ही है ना, फिर अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं, फिर बंदा ऐसे अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकातें भी कर लेता है। आगे आ जाए, आगे भी सारी मोतियों गिनों वगैरह की दुकानें हैं जो कि इन भाइयों के पास हैं, एक नहीं यहाँ पे कई दुकानें हैं। आगे ये सारी जो है नगीना मार्केट स्टार्ट हो गई है और रंग महल भी जो है वो आने वाला है। ये तो स्टेशनरी की दुकान है। तो दोस्तों इस मार्केट का भी व्लॉग हुआ कंप्लीट, सामने आप देख सकते हैं रंग महल चौक भी आ चुका है, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ व्लॉग को एंड। अब चलिए घर चलकर आपसे मुलाकात होती है, गाँव में याद रखिएगा, स्टे ट्यून्ड। अच्छा तो दोस्तों मैंने आपको आलमगीर मार्केट का टूर करवा दिया, ये जो रंग महल तक जाती थी आलमगीर मार्केट,
और उम्मीद करता हूँ लोगों का कुछ लगा होगा। जैसे हम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल लाइक करें, प्रेस प्रेस प्रेस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगमान।